हेलो बच्चों, कैसे हो साहब। तो आज लाए हम एमाइंस का लेक्चर नंबर 5। और आज पढ़ेंगे हम बहुत ही इम्पोर्टेंट दो केमिकल प्रॉपर्टी बची है चैप्टर में, उनको डिस्कस कर लेंगे आज। चाहे तो मैं इसी वीडियो में दोनों खत्म कर दूंगा, या फिर देखूंगा लेंथ कितनी आ रही है वीडियो की। तो अगर लेंथ ज्यादा हो रही है बेसिक कैरेक्टर एमाइन वाली केमिकल प्रॉपर्टीज में, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए फिनिश करूंगा उसे, और फिर हमारा चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, जैसे बच्चों के डिमांड आ रही है, कमेंट्स आ रहे हैं कि सर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इन टेस्ट क्वेश्चन करा दो, एक्सरसाइज करा दो, कुछ कन्वर्जन करा दो। तो मैं चाह रहा हूं कि जो चैप्टर के एंड का सारा कंटेंट है एक्सरसाइज का, उसको मैं फिनिश करूं और बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको समझाऊं। और हाँ, मैं अभी आपको एक प्लानिंग समझाने वाला हूं कि आने वाले टाइम में मैं चैप्टर की इंपॉर्टेंट कंटेंट का वन शॉट वीडियो बनाऊंगा, राइट। और उसमें आप जल्दी जल्दी रिवीजन करके अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हो, राइट। और बहुत कुछ करने वाले हैं हम आगे आने वाले समय में, ठीक है ना। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। माय नेम इज ताहिर अली और हमारा प्यारा सा चैनल एटोमिका, राइट। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर करिए, और नॉलेज लेने की ज्यादा कोशिश करें, राइट। क्योंकि नॉलेज ही तुम्हें जिंदगी में आगे काम आएगी। तो प्यारा सा चैनल हमारा एटोमिका, इसको शेयर कर लें। और आज हम पढ़ने वाले, ध्यान से समझेंगे, प्रॉपर्टी नंबर बेसिक करेक्टर ऑफ अमाइन। बेसिक करेक्टर ऑफ अमाइन, तो शुरू करें इसे आज। ओके, देखो जरा, देखो मेरे प्यारे बच्चों, बेसिक करेक्टर ऑफ अमाइंस क्या होता है। देखो, हमारे पास में देखो एमाइंस होते हैं और एक होता है हमारा अमोनिया, ठीक है। अमाइंस का फॉर्मूला क्या होता है, RnH2, राइट। समझ में आ गया, ये हमारा कौन सा अमाइन है, 1 डिग्री। एक होता है हमारे पास अमाइन R2NH, ये होता है हमारा 2 डिग्री अमाइन, राइट। एक होता है हमारे पास R3N, ये होता है हमारा 3 डिग्री अमाइन, ठीक है। एक होता है हमारे पास एरोमेटिक अमाइन NH2, और एक होता है मेरे पास अमोनिया NH3, ठीक है। इन सबको, सबके सब कंपाउंड को कहते हैं हम, बोलो क्या कहते हैं इनको, सब कंपाउंड्स को। इन सब कंपाउंड्स को कहा जाता है लुईस बेस। क्या कहते हैं इनको, लुईस बेस कहते हैं। लुईस बेस क्यों कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि इन सब के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। कहां पर प्रेजेंट होता है, ऑन नाइट्रोजन एटम। जितने भी सारे कंपाउंड दिखाए हैं मैंने आपको, सब पे नाइट्रोजन पे क्या दिख रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इसलिए इनको कहा गया लुईस बेसिस। क्या कहा गया है, लुईस बेसिस कहा गया है। अब देखो ये जो वर्ड आया लुईस बेस, एक हमारे भाई साहब है साइंटिस्ट लुईस, इन्होंने एक थ्योरी दी थी, लुईस कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने। लुईस कॉन्सेप्ट क्या कह रहा था, लुईस कॉन्सेप्ट ने कहा था कि कोई भी सब्सटेंस जिसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, क्या हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, और जो लोन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता हो, उसको लुईस बेस कहा गया है। लुईस ने क्या बोला कि जिस सब्सटेंस के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता हो, उन सबको बोला उसने लुईस बेस कहा। किसने कहा, लुईस कॉन्सेप्ट ने कहा, लुईस बेस। आप जो मेरे प्यारे बच्चे देखो, जितने भी आपके पास अमाइंस हैं और हमारे पास अमोनिया है, क्या इन सब के पास में लोन पेयर नहीं होंगे, होंगे। ये सारे अमाइंस हैं हमारे, ये अमोनिया है, सबके पास लोन पेयर है, इसलिए इनको क्या बोला गया, लुईस बेस कहा गया, ठीक है। क्या कहा गया, लुईस बेस कहा गया। अच्छा, लुईस बेस का काम क्या होता है, लुईस बेस का काम होता है डोनेट करना इलेक्ट्रॉन्स। क्या करना,
इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना, डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, ये जो लोन पेयर होगा इसको डोनेट कर देगा, राइट। इसलिए हम इनको क्या कह सकते हैं, और इनको कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर, क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर्स भी इनको कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गई, लुईस कॉन्सेप्ट ने क्या बोला, वो सब्सटेंस जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनको बोला लुईस बेस, और ये लुईस बेस क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, इसलिए इनको इलेक्ट्रॉन डोनर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर्स कहते हैं, राइट। अब ये किसको डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन, किसको डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन, इसको देखना ध्यान से। लुईस कॉन्सेप्ट ने एसिड कॉन्सेप्ट भी दिया था, उन्होंने कहा था कि कोई भी सब्सटेंस जिसके जिसको इलेक्ट्रॉन पेयर की नीड हो अपने ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा करने की, उनको कहा गया लुईस एसिड, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहे हो, करना चाह रहे हो अपने डुप्लेट को या ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, उनको कहा गया लुईस एसिड। क्या कहते हैं उनको, लुईस एसिड कहते हैं। जैसे BF3 लुईस एसिड है, कॉपर आयन एक लुईस एसिड की तरह एक्ट करेगा, राइट। और हमारा क्या कहते हैं उसको, एल्युमिनियम क्लोराइड लुईस एसिड की तरह एक्ट करेगा। इन सबके सबको इलेक्ट्रॉन पेयर की नीड है अपना ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा करने के लिए, इसलिए इनको लुईस एसिड कहा गया। और ये सबके सब क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, क्या करेंगे, इसलिए इनको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब मान लो हमारे पास में कोई लुईस बेस है, जैसे मान लो ये है अमोनिया हमारे पास, राइट, ये अमोनिया हमारे पास है, इसके पास में नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, और BF3 इसके कॉन्टेक्ट में आ गया, क्या आ गया, BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, क्या बोरोन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड नहीं है क्या, क्या इसको लुईस एसिड नहीं कहेंगे, कहेंगे, क्योंकि इसका जो सेंट्रल एटम है बोरोन, इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं आपको, दो तो यहां है, दो यहां है और दो यहां है, तो ये जो बोरोन है इसके आउटर सेल में मिले हैं आपको 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, कहां से करेगा, अमोनिया से करेगा, तो अमोनिया चाहेगा भैया इसको एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपना दे दो ताकि इसके इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी हो जाए, हमारा भी कुछ ना बिगड़े और इसके इलेक्ट्रॉन पेयर की डेफिशिएंसी भी पूरी हो जाए, और ये एक तरह का कंपाउंड बन जाता है। इसको कौन सा बॉन्ड कहते हैं, कोऑर्डिनेट। ये तभी बनता है जब एक सब्सटेंस लोन पेयर डोनेट करे, दूसरा सब्सटेंस एक्सेप्ट करे। तो इस तरह से हमने देखा कि लुईस बेस एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, राइट। आप देखो कॉपर आयन, देखो ऑब्जर्व ये किया गया है कि जब कॉपर आयन के सॉल्यूशन में हम अमोनिया गैस पास करते हैं, क्या करते हैं, अमोनिया गैस पास करते हैं, तो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स कॉपर आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देते हैं और एक कंपाउंड हमारा इस तरह का बन जाता है, राइट। समझ में आ गया सबके, इस तरह के कंपाउंड को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्या कहते हैं इनको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बात समझ में आ गई। तो यहां पर भी अमोनिया क्या कर रहा है, अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉपर आयन को डोनेट कर रहा है, तो इसको बोला जाएगा लुईस बेस और इसको बोला जाएगा लुईस एसिड, लुईस एसिड। तो आपने देखा कि जो लुईस बेस होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। आई बात समझ में, नोट कर लो इसे, देख लो जरा। छाप लिया, छाप लिया, ओ
जरा कुछ और देखो, और दिखाता हूं मैं कुछ आपको। एक हमारे पास में प्यारे बच्चे होता है ब्रस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। क्या होता है? ब्रस्टेड कॉन्सेप्ट होता है, ब्रस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट कहते हैं उसको, ब्रस्टेड कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि कोई भी सब्सटेंस बेस माना जाएगा, अगर वो किसी H प्लस आयन को, किसी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, क्या करे, कोई भी सब्सटेंस क्या माना जाएगा, ब्रोस्टेड बेस। ब्रोस्टेड बेस किसको कहते हैं, जो एक्सेप्ट करता है, क्या करता है, एक्सेप्ट करता है H प्लस आयन को, जिसको प्रोटॉन भी कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है सबके? ब्रोस्टेड बेस वो है जो H प्लस आयन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो आप ध्यान से देखो, सारे के सारे कंपाउंड के पास में लोन पेयर है, क्या इनके कॉन्टेक्ट में H प्लस आयन आ गया तो क्या इनको ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे? करेंगे। मान लो हमारे पास अमोनिया है, H प्लस आयन से कॉन्टेक्ट में आ गया, तो ये अमोनिया इस H प्लस आयन को बहुत जल्दी से अपनी तरफ एक्सेप्ट कर लेगा, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, और क्या बना लेगा, अमोनियम सॉल्ट बना लेगा। तो ब्रोस्टेड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसको कहा गया ब्रोस्टेड बेस, और लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कहा गया इसको लुईस बेस, राइट। यानी इसका मतलब ये हो गया, चाहे ब्रोस्टेड कॉन्सेप्ट हो चाहे लुईस कॉन्सेप्ट हो, अमोनिया या उसके कोई भी डेरिवेटिव्स अमाइन वगैरह सबके सब क्या होंगे, बेसिस होंगे। यानी सबके सब क्या शो करेंगे, बेसिक करेक्टर शो करेंगे, सबके सबके अंदर बेसिसिटी होगी। समझ में आ गया इतना? देखो ध्यान से जरा और आगे की चीज। अब देखो मैं कुछ क्या करता हूं, मेरे पास में ये अमोनिया है, मैंने इसके कॉन्टेक्ट में एसिड लाया, एसिड मैंने जैसे HX ले लिया, HCl, HBr, HI, HF, कोई सारे एसिड्स होते हैं, H2O4 भी ले सकते हो, सारे एसिड्स हैं। क्या होगा, अमोनिया का मॉलिक्यूल एक H प्लस आयन एक्सेप्ट कर लेगा अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करके, और क्या बनेगा, अमोनियम सॉल्ट बना लेगा। क्या बना लेगा, अमोनियम सॉल्ट बना लेगा। अमाइन की बात करें यदि हम, इसके कॉन्टेक्ट में अगर एसिड आ गया, इसने भी क्या किया, अपने लोन पेयर डोनेट किया H प्लस आयन को, या H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर लिया, क्या बन जाएगा, यहां से RNH3 पॉजिटिव, X नेगेटिव। एरोमेटिक अमाइन ले लें हम, ये भी एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है और अपने H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर सकता है, और क्या बना सकता है, ये भी सॉल्ट बना सकता है, NH3 पॉजिटिव, X नेगेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेसिक करेक्टर ऑफ अमाइन, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, तो इसको बहुत ध्यान से, मैं एक एक चीज को डिटेल में लेके चल रहा हूं, समझा के चल रहा हूं ताकि समझ में आ जाए आपके, ठीक है। अमोनिया ने भी H प्लस एक्सेप्ट किया, अमोनियम सॉल्ट बना लिया, एलिफेटिक अमाइन ने भी H प्लस एक्सेप्ट कर लिया, सॉल्ट बना लिया, एरोमेटिक अमाइन ने भी H प्लस एक्सेप्ट कर लिया, अमोनियम सॉल्ट बना लिया, सारे के सारे अमोनियम सॉल्ट है। इन रिएक्शनों से क्या इंडिकेट होता है, इन रिएक्शनों से इंडिकेट होता है कि अमोनिया और अमाइंस सबके सब बेसिक करेक्टर के होते हैं, यानी सबके सब क्या होते हैं, लुईस बेस होते हैं, क्योंकि सबके सब ने H प्लस आयन को एक्सेप्ट किया है अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करके, तो सबके सब क्या है, बेसिक करेक्टर के हैं, सबके अंदर बेसिसिटी का करेक्टर है। अब सवाल यह आता है, क्या इन तीनों कंपाउंड का बेसिक करेक्टर सेम होगा, ये ऐसे कह दो, क्या तीनों कंपाउंड एक ही स्पीड से अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, तो ये आता है कि नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी सबकी तीनों की स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो अब हम देखो तीनों कंपाउंड लेते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं क्या तीनों कंपाउंड का बेसिक करेक्टर सेम होगा, तीनों कंपाउंड के अंदर बेसिसिटी सेम होगी या डिफरेंट होगी, इसको जानना बहुत जरूरी है।
तो देखो ये मेरे पास है अमोनिया, ये मेरे पास है 1 डिग्री अमाइन, ये मेरे पास है 2 डिग्री अमाइन। मार्कर चेंज कर लेता हूं, समझ में आ रहा है। एक मेरे पास है 3 डिग्री अमाइन और एक मेरे पास है एरोमेटिक अमाइन, ठीक है। ये सबके साथ क्या इन चार इन सारे लुईस बेसिस का सारे कंपाउंडों का बेसिक करेक्टर सेम होगा, राइट? तो हम देखेंगे आगे आने वाले समय में कि इन सारे कंपाउंडों का बेसिक करेक्टर एक दूसरे से डिफरेंट है। क्या है? डिफरेंट है। कोई कम बेसिक है, कोई उससे ज्यादा बेसिक है, कोई और सबसे ज्यादा बेसिक है। तो कैसे पता करता है? तो साइंटिस्टों ने तरीका ढूंढा, एक्सपेरिमेंट करके उनको चेक कर लिया उन्होंने कि किसकी बेसिटी कम है किसकी ज्यादा है, राइट? एक्सपेरिमेंट क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो, बेसिटी कैसे निकाली होगी उन्होंने? अमोनिया का लेके चल रहे एग्जाम्पल, या फिर आप एक कोई काम करो इसका लेके चलो, एक आपका प्राइमरी अमाइन ले लिया, इसे मिलाया पानी, यानी इसका एक्वस सॉल्यूशन बना लिया। क्या बना लिया? एक्वस सॉल्यूशन। पानी एच प्लस आयन छोड़ता है, सबको पता है एम्फोटेरिक कंपाउंड है, ये एसिड की तरह बिहेव भी करेगा, बेस की तरह बिहेव भी करेगा। अगर बेस के साथ है तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, अगर ये एसिड के साथ है तो बेस की तरह बिहेव करेगा। अमाइन किसकी तरह बिहेव कर रहा है? बेस की तरह। तो वाटर किसकी तरह बिहेव करेगा? एसिड की तरह। अपने एच प्लस आयन छोड़ देगा और अमाइन उस एच प्लस आयन को लेकर क्या बना लेगा? आर एन एच थ्री पॉजिटिव प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। बात समझ में आ रही है इतनी? अब मेरे प्यारे बच्चों इक्विलिब्रियम चलेंगे लेकर। इक्विलिब्रियम में कॉन्सेप्ट आता है इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट निकालना, क्योंकि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होती है। किस पर? इक्विलिब्रियम पर, राइट? दोनों तरफ चलती है। इक्विलिब्रियम पर हमें निकालना होता है इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। क्या निकालना होता है? इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के ईक्यू। बात समझ में आ रही है? कैसे निकालते हैं? लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम लगाते हैं यहां पर हम। कैसे लगाते हैं? दोनों प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन लिया जाता है, आर एन एच थ्री पॉजिटिव का कंसेंट्रेशन इनटू हाइड्रोक्साइड आयन कंसेंट्रेशन, राइट, अपॉन इस अमाइन का कंसेंट्रेशन इनटू वाटर का कंसेंट्रेशन, ये ले लिया। इतनी बात समझ में आ रही है? वाटर का कंसेंट्रेशन कॉन्स्टेंट लिया जाएगा, टेकन एज कॉन्स्टेंट, टेकन एज कॉन्स्टेंट, क्योंकि पानी यहां पर बहुत सारा होगा, एक्सेस होगा, तो विद द टाइम इसका कंसेंट्रेशन चेंज नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि जब रिएक्शन चलती है तो वाटर का जो कंसेंट्रेशन होता है वो बहुत माइन्यूटली चेंज होता है, तो उसका कंसेंट्रेशन हमारा कॉन्स्टेंट मान लिया जाता है। पानी का जितना भी कंसेंट्रेशन बदलता है वो अमाइन का बदलता है। वाटर एक्सेस होता है, इसका कंसेंट्रेशन बहुत ही कम चेंज होता है, इसलिए इसको आप कॉन्स्टेंट मान सकते हो। इसका कंसेंट्रेशन कॉन्स्टेंट मानोगे तो इसको हटा सकते हो, राइट? जब इससे इसकी मल्टीप्लाई होगी तो नया कॉन्स्टेंट बनेगा KB। क्या बचेगा? वाटर कंसेंट्रेशन हटा दिया हमने, क्या बचा? केवल बेस का बचा, बेस का बचा, इसलिए आपका आ गया KB। B का मतलब बेस, ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? ये बच गया, इसका इग्नोर कर दिया, ठीक है। KB की वैल्यू निकाली गई एक्सपेरिमेंट के जरिए। कैसे निकाली गई? इसका कंसेंट्रेशन लगाया मोल पर लीटर में, हाइड्रोक्साइड आयन कंसेंट्रेशन लगाया मोल पर लीटर में, इस अमाइन का कंसेंट्रेशन लगाया मोल पर लीटर में, सबको सोल्व करके KB निकाल लिया। आज क्वेश्चन में अब मेरे प्यारे बच्चों KB की जो वैल्यू निकल कर आती है, KB की जो वैल्यू निकल कर आती है वो बहुत बड़ी वैल्यू होती है। बड़ी इन द सेंस जैसे 1.0 × 10⁻⁸, इस तरह से वैल्यू निकल कर आती है। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि KB की जगह कोई दूसरा टर्म यूज करो जिससे कि वैल्यू आसानी से पढ़ी जा सके और लिखी जा सके। तो उन्होंने मैथमेटिकली यूज किया गया PKB, देख लिया लॉग KB।
लॉग के बी। ये रिलेशन तुम्हें ध्यान रखना है और इसका बेसिसिटी इस रिलेशन है। उन्होंने बोला हायर द वैल्यू ऑफ पी के बी, हायर द वैल्यू ऑफ पी के बी, हायर द वैल्यू ऑफ पी के बी, लेसर इज द बेसिसिटी, लेसर इज द बेसिसिटी। मतलब साफ है इसका कि जिस बेस का पी के वैल्यू ज्यादा होगा, जिस बेस का पी के भी वैल्यू ज्यादा होगा उसकी बेसिसिटी कम होगी। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये डेरिवेशन तो अक्सर पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन ये रिलेशन तुम्हें याद रहे। क्या रहे? रिलेशन याद रहे, चाहे कुछ याद रहे ना रहे, लेकिन ये रिलेशन याद रहे, क्योंकि ये रिलेशन आपको क्वेश्चन सोल्व करा के दे देगा। जिसकी पी के भी वैल्यू ज्यादा उसके अंदर बेसिसिटी कम, जिसकी पी के भी वैल्यू ज्यादा उसकी बेसिसिटी कम, राइट। तो सबकी पी के भी वैल्यू निकाली गई, अमोनिया की भी निकाली, 1 डिग्री की भी, 2 डिग्री की भी, 3 डिग्री की, एनिलीन की, सबकी पी के भी वैल्यू निकाली। तो पी के वैल्यू निकालने के बाद में निकल कर आया कि पी के भी वैल्यू सबसे कम, सबसे ज्यादा सॉरी एरोमेटिक अमाइन की मानी गई, देखी गई एरोमेटिक अमाइन की, सबसे ज्यादा पी के वैल्यू एरोमेटिक अमाइन की मिली उनको। उससे कम मिली आपकी एलिफेटिक अमाइन की, राइट, एलिफेटिक अमाइन की मिली, ठीक है। यहां से थोड़ा सा चेंज करना हमको, एरोमेटिक अमाइन उससे ज्यादा मिली आपको, थोड़ा सा ऐसे ले लेते हैं इसको, एरोमेटिक अमाइन अमोनिया एंड RnH2 एलिफेटिक, राइट। एरोमेटिक अमाइन की पी की वैल्यू ज्यादा, उससे कम इसकी, सबसे कम इसकी, देख लें इसको जरा। तो सबसे हायर पी की वैल्यू इसकी, पी की भी वैल्यू डिक्रीज, पी की वैल्यू डिक्रीज, सबसे हाईएस्ट पी की वैल्यू एरोमेटिक अमाइन की फाइंड की गई, उससे कम अमोनिया की, सबसे कम RnH2 यानी एलिफेटिक अमाइन। इसका मतलब ये निकल रहा है कि एरोमेटिक अमाइन की पी के वैल्यू हायर है तो इसकी बेसिटी सबसे कम होगी, उससे कम है अमोनिया की पी के वैल्यू, इसकी बेसिटी इससे ज्यादा होगी, और एलिफेटिक अमाइन की पी के वैल्यू सबसे कम है तो इसकी बेसिसिटी सबसे हाईएस्ट होगी। ध्यान से देखना इसको, जिसकी भी पी के वैल्यू ज्यादा उसकी अंदर बेसिटी कम, जिसकी पी के भी वैल्यू सबसे कम उसकी बेसिटी सबसे ज्यादा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है बेसिटी और पी के भी वैल्यू में। बात समझ में आ गया। देख लो इसे जरा। छाप लिया, बहुत बढ़िया। अब मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा क्यों होता है कि एरोमेटिक अमाइन की पी के वैल्यू हाईएस्ट है यानी बेसिटी सबसे कम है, अमोनिया की बेसिटी उससे कम है, सॉरी एरोमेटिक अमाइन की बेसिटी सबसे कम, उससे ज्यादा बेसिटी अमोनिया की, उससे ज्यादा बेसिटी एलिफेटिक अमाइन की, ऐसा क्यों होता है बेसिटी कम ज्यादा क्यों हो रही है? तो उसके लिए आपको यहां पर देखो ध्यान से, मैं आपको रिलेशन बनाऊंगा दो दो के बिटवीन कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास में देखो क्या है, एरोमेटिक अमाइन है। एक मेरे पास में क्या है, अमोनिया है, और एक मेरे पास क्या है, एलिफेटिक अमाइन है। तो यहां पर हम कंपेयर करेंगे बेसिटी को, कि एवरी टू मॉलिक्यूल के बिटवीन बेसिटी कंपेयर की जाए, क्योंकि इनकी बेसिटी एक दूसरे से डिफरेंट है ना, तो हमें कंपेयर करना पड़ेगा किसकी कम किसकी ज्यादा, तो क्यों है। जैसे मान लो हम कंपेयर कर रहे हैं कि अमोनिया और एल्काइल अमाइन में बेसिटी किसकी ज्यादा है और क्यों ज्यादा है, फिर रिलेशन लगाएंगे हम एरोमेटिक अमाइन और अमोनिया के बिटवीन, इन दोनों बेसिटी किसकी ज्यादा है क्यों ज्यादा है, फिर लगाएंगे रिलेशन इसके बिटवीन कि इन दोनों में से बेसिटी किसकी ज्यादा है क्यों ज्यादा, रीजन के साथ एक्सप्लेन करेंगे,
किसके साथ में? रीजन के साथ। तो यहां पर हम एक कंपैरिजन करेंगे बेसिसिटी रिलेशनशिप, बेसिसिटी रिलेशनशिप कंपेयर करेंगे, रिलेशनशिप कंपेयर करेंगे बिटवीन बिटवीन। पहला पॉइंट ले लें एल्काइल अमाइन वर्सेस अमोनिया, वर्सेस अमोनिया, अमोनिया और एल्काइल अमाइन के बिटवीन बेसिटी का रिलेशनशिप, ठीक है। जरा देख लें इसको, स्टेटमेंट लिख लें मेरे प्यारे बच्चों। एल्काइल अमाइन जो होता है, हमने क्या बताया कि एल्काइल अमाइन जो होता है वो अमोनिया से क्या होता है, मोर बेसिक होता है, क्योंकि इसकी पीके वैल्यू लोअर आ रही थी, अमोनिया की हायर आ रही थी, एक्सपेरिमेंट से देखा हमने। तो इसकी बेसिटी हायर, इसकी बेसिटी कम। ऐसा क्यों होता है कि इसकी बेसिटी हायर होती है और अमोनिया की लोअर होती है, क्यों होता है ऐसा, इसको समझे हम ध्यान से। एल्काइल अमाइंस आर मोर बेसिक, आर मोर बेसिक देन NH3। NH3 से ये मोर बेसिक है, क्यों है इसके बारे में लिख लें हम, बिकॉज क्योंकि इन एल्काइल अमाइंस में NH2 ग्रुप जो होता है, कौन NH2 ग्रुप जो होता है वो अटैच होता है मेरे प्यारे बच्चों टू एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप से अटैच होता है, राइट, एल्काइल ग्रुप से अटैच होता है, विच इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, राइट, और वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है एल्काइल, जो शो करता है, क्या शो करता है, प्लस आई इफेक्ट, क्या शो करता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, बस बनाइए। एंड थ्रू इट्स प्लस आई इफेक्ट, और अपने प्लस आई इफेक्ट के थ्रू इट इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्या बढ़ा देता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है ओवर नाइट्रोजन के ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है। एंड मेक्स लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन विद H प्लस आयन ऑफ एसिड। इसको समझे पूरे कॉन्सेप्ट को। यहां पर लिया मैंने एक RNH2, ठीक है, ये ले लिया RNH2, ले लिया लॉन पेयर पे। यहां पे इसमें डाला मैंने एसिड, क्या डाला, एसिड, जैसे मैंने HCl डाल दिया, राइट। तो ध्यान से देखो, यहां पर मैंने ले लिया अमोनिया के कांटेक्ट में मैं एसिड ले आया हूं, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं इसे, अमोनिया के कांटेक्ट में क्या ले आया हूं, एसिड HCl, ठीक है। दोनों डोनेट करेंगे अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या ऐसे कहते दोनों ही एक्सेप्ट करेंगे अपना H प्लस आयन, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके H प्लस आयन के साथ, दोनों ही क्या बना लेंगे, अमोनियम कैटायन बना लेंगे, क्या बना लेंगे, अमोनियम कैटायन, ये क्या बनाएगा, अमोनियम कैटायन बनाएगा ये, ठीक है, समझ में आ गया सबके, याद। अब हमने बोला आपसे कि एलिफेटिक अमाइन जो है वो ज्यादा बेसिक है, अमोनिया कम बेसिक है। ज्यादा बेसिक का मतलब यह है कि अपना ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये वाला, ये बहुत जल्दी से डोनेट कर देता है, बहुत तेजी से डोनेट कर देता है, ये ऐसे कह दो कि ये बहुत जल्दी से H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर लेता है, कौन, एलिफेटिक अमाइन। क्यों भैया ऐसे हो रहा है, क्योंकि NH2 ग्रुप कनेक्ट है यहां पर एल्काइल से, ये जो एल्काइल ग्रुप है ना, ये इसकी बेसिटी को बढ़ा रहा है, आई बस में क्यों बढ़ा रहा है, क्योंकि एल्काइल ग्रुप जो होता है
वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ठीक है नहीं? और जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, अगर वो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट से कलेक्ट है तो वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट की तरफ, यानी अपना पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा। क्या दिखाएगा? ये ध्यान रखना, सारे एल्काइल्स जो होते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, अगर ये किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कनेक्ट है, जैसे नाइट्रोजन से कनेक्ट है, हैलोजन से कनेक्ट है, तो 100% ये क्या शो करेंगे? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे, और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे, डोनेट करेंगे नाइट्रोजन की तरफ। अगर समझ में, और नाइट्रोजन के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, पहले से एक लोन पेयर था, एल्काइल की तरफ से भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बढ़ जाएगी, जिससे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट हो जाएगा। भैया एक बात होता है, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो ये लोन पेयर आसानी से डोनेट हो जाएगा, शेयर हो जाएगा इस प्लस आयन को, और बहुत जल्दी से क्या बना लेगा? सोल्ट, अमोनियम सोल्ट बना लेगा। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर एल्काइल की जगह क्या हाइड्रोजन है, इसका जो पॉजिटिव आई इफेक्ट होता है वो एल्काइल से पुअर होता है, तो इतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर पाता जितनी तेजी से एल्काइल कर लेता है। तो नाइट्रोजन के अराउंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहती है अमोनिया में, इसलिए ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट नहीं करता और बहुत जल्दी से अमोनियम कैटायन नहीं बनाता। तो ये जो एल्काइल ग्रुप है ना, ये वाला, ये अपना पॉजिटिव आई इफेक्ट दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट दिखा रहा है, बहुत तेजी से दिखा रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई नाइट्रोजन की तरफ और बहुत जल्दी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो गया और जल्दी से अमोनियम कैटायन फॉर्म हो गया। इसलिए कह सकते हैं कि ये वाला जो एमाइन है वो मोर बेसिक है अमोनिया से। इतनी बात समझ में आ गई? नोट कर लें इसे, जरा नोट कर लें। छाप लिया, ठीक है। अब मेरे पास में तीन अमाइंस हैं, जैसे बताओगे आप ही बताना। एक ले लिया मैंने 1 डिग्री अमाइन, एक ले लिया मैंने 2 डिग्री अमाइन, एक ले लिया मैंने 3 डिग्री अमाइन, एक ले लिया मैंने 3 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, क्या ये 3 डिग्री अमाइन, समझ में आया सबके? 3 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ओके। बताओ जरा, जल्दी बताओ कौन सा मोर बेसिक होगा? ध्यान से देखो, जितने ज्यादा एल्काइल्स ग्रुप होंगे, क्या बोला मैंने, जितने ज्यादा एल्काइल्स ग्रुप होंगे राइट, उतने ज्यादा कंपाउंड को ओवरऑल प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा। बस समझ में आ रही है? जितने ज्यादा नंबर में एल्काइल ग्रुप होंगे उतने ज्यादा ओवरऑल प्लस आई इफेक्ट होगा। मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है नाइट्रोजन की तरफ, यहां पर दो कर रहे हैं, ये एल्काइल, ये एल्काइल, यहां तीन कर रहे हैं राइट। तो जितना यहां पर, तो ये दोनों एल्काइल ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं ओवर नाइट्रोजन, यहां पर तीन बढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर नाइट्रोजन, तो बढ़ा कहां पर ज्यादा जाते रहे? इसमें, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम बढ़ेगी, इसमें ज्यादा, इसमें सबसे ज्यादा, क्योंकि इसमें एक एल्काइल, इसमें दो एल्काइल, इसमें 3 एल्काइल। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे ओवरऑल प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, और ओवरऑल प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो नाइट्रोजन के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और कंपाउंड उतना ही ज्यादा बेसिक होता चला जाएगा। आई वसन में देखो, मोर बेसिक, मोर बेसिक, और इन तीनों से सबसे कम बेसिक अमोनिया, ठीक है। ये देखो बेसिटी हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज, क्या हो रही है, इंक्रीज। कुछ बात समझ आई? बेसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। गैस फेज लगा लें, अगर सारे कंपाउंड गैस स्टेट में हो तो सबसे कम बेसिक ये
वन डिग्री से ज्यादा, टू डिग्री से ज्यादा, थ्री डिग्री से ज्यादा। एक बार में याद रखें, अमोनिया बेसिटी कम, उससे ज्यादा वन डिग्री की, उससे ज्यादा टू डिग्री की, उससे ज्यादा थ्री डिग्री गैस फेज। क्या होगा ये गैस फेज? छाप लें इसे। छाप लिया, छाप लिया। आगे देखो, देखो मेरे प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। इन एक्वस स्टेट, एक्वस स्टेट, अब हम क्या करते हैं, अमोनिया को प्राइमरी अमाइन को, सेकेंडरी अमाइन को, टर्शियरी अमाइन को, सबको सब पानी में डाल दो। किसमें डाल दो? पानी में डाल दो, H2O याद रखना। बताओ जब पानी में डालेगा अमोनिया, तो ये वाटर से क्या लेगा, एक H+ आयन लेगा, और क्या बना लेगा, अमोनियम आयन बना लेगा। ठीक है, वन डिग्री अमाइन को पानी में डालोगे तो वाटर से H+ आयन ले लेगा, क्या बना लेगा, NH3 पॉजिटिव बना लेगा। 2 डिग्री को पानी में डालोगे तो 2 डिग्री अमाइन भी पानी के साथ, पानी से एक H आयन ले लेगा, ये वाला सॉल्ट बना लेगा। 3 डिग्री अमाइन को पानी में डालोगे, राइट, तो एक H+ आयन ले लेगा, ये वाला सॉल्ट बना लेगा, राइट। समझ में आया? अब क्या होता है, ध्यान से देखो, हमें बताया कि एक्वस स्टेट में क्या बेसिसिटी का ऑर्डर गैस फेज की तरह होगा, तो याद रखें नहीं। एक्वस स्टेट में, एक्वस स्टेट में या एक्वस फेज में ये ऑर्डर बदल जाता है भी। अमोनिया सबसे ज्यादा बेसिक, उससे कम बेसिक 1 डिग्री, उससे कम बेसिक 2 डिग्री, सबसे कम बेसिक 3 डिग्री। गैस फेज का ऑर्डर क्या था? गैस फेज का ऑर्डर इसका अपोजिट था। इसमें क्या था? 3 डिग्री मोस्ट बेसिक, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, सबसे कम अमोनिया। बात समझ आ रही है? तो ऐसा क्यों हो रहा है? आपने पढ़ा गैस फेज में जो हमने ये ऑर्डर फिक्स किया है वो किसकी वजह से किया? प्लस आई इफेक्ट की वजह से। हमने देखा कि 3 डिग्री अमाइन में 3 एल्काइल थे, प्लस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा था, तीनों एल्काइल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा रहे थे, नाइट्रोजन की तरफ बेसिटी बढ़ा रहे थे। 2 डिग्री में प्लस आई इफेक्ट कम था क्योंकि दो एल्काइल थे, बेसिटी कम थी। 1 डिग्री में एक एल्काइल था, बेसिटी कम थी, और अमोनिया में कोई एल्काइल नहीं है, इसलिए इसकी बेसिटी सबसे कम होगी। एक्वस फेज में अमोनिया मोस्ट बेसिक है, 1 डिग्री कम, 2 डिग्री कम, 3 डिग्री कम, यहां पर क्या मैटर आ गया? ऑर्डर क्यों चेंज हो रहा? क्या कोई दूसरा फैक्टर काम तो नहीं कर रहा? यस, कर रहा है। देखो ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, ये जितने भी कैटायंस हैं सब अनस्टेबल हैं। कैसे हैं? अनस्टेबल हैं। आपने पढ़ा होगा जितने भी चार्ज वाले आयंस होते हैं, चार्ज स्पीसीज होती हैं, सब कैसी होती है? अनस्टेबल होती है। क्या होती है? अनस्टेबल। जितने भी चार्ज स्पीसीज होती है अनस्टेबल होती है। ये स्टेबलाइज होना चाहती है। क्या? स्टेबलाइज होना चाहती है। ये कहां पर है? पानी में। ये कहां पर? पानी में। ये कहां पर? पानी में। ये कहां पर? सारे पानी में है। ये चाहता स्टेबल होना, ये भी चाहता स्टेबल होना, ये भी चाहता स्टेबल होना, ये भी चाहता स्टेबल होना, सब स्टेबल होना चाहते हैं। यानी सबके सब बेसिकली ज्यादा शो करना चाहते हैं। ये चाहेगा मैं बेसिक ज्यादा हो जाऊं, ये कहेगा मैं ज्यादा बेसिक बन जाऊं, ये चाहेगा मैं ज्यादा बेसिक बन जाऊं, ये चाहेगा मैं ज्यादा बेसिक बन जाऊं। अब ज्यादा बेसिक वो बनेगा जो ज्यादा स्टेबल बनेगा, जो ज्यादा स्टेबल बनेगा वो ज्यादा बेसिक बनेगा। अब भैया इन आयनों को स्टेबलाइज करने के लिए पानी का मॉलिक्यूल सहारा देगा इनको। क्या देगा? पानी का मॉलिक्यूल। पानी चाहे, पानी कहेगा कि टेंशन मत लो, मैं आप सबको स्टेबलाइज कर सकता हूं क्योंकि मेरे अंदर पावर है।
क्या पावर है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की पावर है। किसकी? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की। समझ में आ गया? वाटर के अंदर क्या पावर होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की पावर होती है। तो पानी का मॉलिक्यूल इसको एच बॉन्डिंग से जोड़ लेगा अपने साथ अमोनियम को, राइट? ऐसे करके दिख रहा है सबको, राइट? अमोनियम आयन को स्टेबलाइज करने के लिए चार वाटर मॉलिक्यूल आ गए, चारों ने इसको पकड़ लिया बॉन्ड बनाकर, राइट? इसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों सोल्वेशन। क्या कहते हैं? सोल्वेशन। क्योंकि पानी क्या है? एक सोल्वेंट है। सोल्वेंट का मतलब पानी डिसॉल्व कर रहा चीज को। सोल्वेशन होता है कि सोल्वेंट का किसी आयन के साथ इंट्रैक्शन होना, बॉन्डिंग हो जाना, उसको कहते हैं सोल्वेशन। तो यहां पर पानी इसको सोल्वेट कर रहा है एच बॉन्डिंग के थ्रू। ये पानी इसको सोल्वेट कर रहा है एच बॉन्डिंग के थ्रू। ये पानी इसको सोल्वेट कर रहा है एच बॉन्डिंग के थ्रू। ये पानी इसको कर रहा है एच बॉन्डिंग के थ्रू सोल्वेट। यानी इसका सोल्वेशन बहुत ज्यादा हो गया है क्योंकि ज्यादा एच बॉन्डिंग बनी है। समझ में आ गया? इसने एच बॉन्डिंग करी पानी के साथ में, यानी इसने भी सोल्वेशन किया पानी के साथ, इसने भी सोल्वेशन किया पानी के साथ, इसने भी सोल्वेशन किया पानी के साथ, राइट? समझ में आ रहा? सारे के सारे आयन सोल्वेटेड हो रहे हैं वाटर के साथ, ठीक है? क्या हो रहे हैं? वाटर के साथ। बताओ सबसे हाईएस्ट सोल्वेशन क्या हुआ, किसका हुआ? इसका। इसका सोल्वेशन सबसे ज्यादा हो गया क्योंकि इसने सबसे ज्यादा एच बॉन्डिंग बनाया है पानी के साथ। तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या हो, कौन सा आयन होगा? दीवार। जितना सोल्वेशन ज्यादा थ्रू एच बॉन्डिंग, उतनी ज्यादा उसकी बेसिटी। बात समझ में आ गई? जितना सोल्वेशन ज्यादा, जितना हाइड्रेशन ज्यादा, हाइड्रेशन भी कह सकते हैं, जितना सोल्वेशन ज्यादा, जितना हाइड्रेशन ज्यादा, या ऐसे कहो तो जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा उतना ज्यादा स्टेबल, और जितना ज्यादा स्टेबल उतनी ज्यादा बेसिटी होगी। इसका सोल्वेशन कम क्योंकि इसने तीन एच बॉन्ड बनाए, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी इस कंपेरिजन में, इसकी बेसिटी कम होगी। इसका सोल्वेशन और कम हो जाएगा, समझ में आ गया? क्योंकि इसने दो एच बॉन्ड बनाए हैं, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, इसकी बेसिटी कम होगी। इसका सोल्वेशन सबसे कम, इसकी एच बॉन्डिंग सबसे कम, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम, इसकी बेसिटी सबसे कम। आई बस समझ में? तो मैं इसको स्टेटमेंट को लिख देता हूं, इन एक्वस स्टेट, इन एक्वस स्टेट, इन एक्वस स्टेट बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस डिपेंड्स अपॉन सोल्वेशन, सोल्वेशन थ्रू एच बॉन्डिंग, थ्रू एच बॉन्डिंग, राइट? अमाइंस की बेसिटी किस पर डिपेंड करती है एक्वस फेज में? सोल्वेशन पर, थ्रू एच बॉन्डिंग। रिलेशन क्या है? हायर द सोल्वेशन, मार्कर को क्या हो गया, हायर द सोल्वेशन, हायर द सोल्वेशन, जितना ज्यादा सोल्वेशन, और कह सकते हो हायर द एच बॉन्डिंग, हायर एच बॉन्डिंग, मोर इज द बेसिसिटी, मोर इज द बेसिसिटी। मोर इज द बेसिसिटी। एक्वस स्टेट में अमाइंस की बेसिटी डिपेंड करती है सोल्वेशन पर थ्रू एच बॉन्डिंग। जितना ज्यादा सोल्वेशन, ये जितने ज्यादा एच बॉन्डिंग, उतने ज्यादा बेसिसिटी। आगे उल्टा, गैस फेज में इंडक्टिव फैक्ट काम कर रहा था, इंडक्टिव फैक्ट काम कर रहा था, इंडक्टिव फैक्ट बेसिटी बढ़ा रहा था, स्टेबिलिटी बढ़ा रहा था आयन की, इसलिए ये ऑर्डर आया। इसमें प्लस आई फैक्ट ज्यादा, इसमें कम, इसमें कम, सबसे कम इसमें बेसिटी का ऑर्डर गया। एक्वस फेज में सोल्वेशन काम कर रहा है, किसमें?
सोल्वेशन, समझ में आ गया, सोल्वेशन काम कर रहा है। यहां सोल्वेशन से स्टेबलाइजेशन हो रहा आयंस का, इन आयनों का सोल्वेशन से। तो जितना ज्यादा सोल्वेशन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतना बेसिटिक ज्यादा। यहां पर क्या था, यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा था, प्लस आई इफेक्ट। जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बेसिटी। यहां पर कर रहा है इंडक्ट सोल्वेशन काम, जितना ज्यादा सोल्वेशन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बेसिटी। दो फैक्टर काम कर रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में, गैसेज में अलग एक्वसेज में अलग, नोट कर लो, छाप लिया, मिटा दें, बहुत बढ़िया। ला 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 ला। देखो एक केस है, अगर मेरे पास में मिथाइल अमाइंस है, क्या है, मिथाइल अमाइंस है, जैसे CH3NH2 1 डिग्री, CH3 का होल ट्वाइस NH 2 डिग्री, ठीक है, CH3 का होल थ्राइस N 3 डिग्री, समझ में आया। इन्होंने बोला कि एक्वस फेज में, किसमें, एक्वस फेज में इनमें से कौन सा ज्यादा बेसिक हो, कौन सा कम बेसिक होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना कि डाटा कलेक्ट किया गया साइंटिस्ट के द्वारा, अगर मेरे पास में मिथाइल अमाइंस है तीनों, प्राइमरी सेकेंड टर्शियरी, राइट, तो ध्यान रखना इस बात को, इसमें कंबाइंड इफेक्ट काम करेगा, क्या करेगा, कंबाइंड इफेक्ट, यानी सोल्वेशन भी एंड इंडक्टिव इफेक्ट भी, कंबाइंड इफेक्ट लगेगा। तो कंबाइंड इफेक्ट को लगाकर और बहुत सारी चीजें लगती हैं इसमें, राइट, हाइड्रोजन एंथैल्पी वगैरह बहुत सारी चीज लगती है, सबके सबको एक सारे कंबाइंड इफेक्ट लगाकर जितने भी लगते हैं फैक्टर, साइंटिस्टों ने एक क्या बनाया, ऑर्डर बनाया। वो ऑर्डर ये आ रहा था कि 2 डिग्री अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक, उससे कम बेसिक 1 डिग्री, उससे कम बेसिक 3 डिग्री, और सबसे कम बेसिक 1 हो गया। ये ध्यान रखना आप मिथाइल अमाइंस के लिए, 213 याद रखना, क्या रखना, 213, ठीक है, कंबाइंड इफेक्ट लगाएंगे यहां पर, कंबाइंड इफेक्ट लगेगा कौन कौन सा, एक तो प्लस आई इफेक्ट लगेगा और एक लगेगा सोल्वेशन, दोनों कंबाइंड इफेक्ट लगाकर साइंटिस्ट ने डाटा कलेक्ट किया, उसमें देखा गया कि 2 डिग्री की बेसिटी ज्यादा, उससे कम 1 डिग्री की, सबसे कम 3 डिग्री, सबसे कम 1 आई वसर में, ऑर्डर ऐसे लगाना उसमें, 2 डिग्री पहले, 1 डिग्री बाद में, 3 डिग्री सबसे बाद में, 213 याद रखना, अंडरस्टैंड। अगर हमारे पास इथाइल अमाइंस हो, क्या हो, इथाइल अमाइंस हो, ठीक है, इथाइल अमाइंस को ऑर्डर क्या लेंगे हम, जैसे मेरे पास है C2H5NH2, ठीक है, एक मेरे पास है C2H5 का होल ट्वाइस NH, एक मेरे पास है C2H5 का होल थ्राइस N, राइट, ये है। तो ऑर्डर फाइंड किया, इसमें कंबाइंड इफेक्ट लेगा दोनों, समझ में आया, कंबाइंड इफेक्ट लाकर ऑर्डर निकाला इन्होंने साइंटिस्ट ने, 2 डिग्री इसमें भी सबसे हाईएस्ट बेसिक, उससे कम थोड़ा सा बदला इन्होंने, 3 डिग्री पहले कर दिया, 1 डिग्री बाद में, अमोनिया सबसे कम बेसिक, 231 याद रखना, यानी कि 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री, इसमें 213 याद रखना, 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, नोट कर ले, छाप लिया, छाप लिया, मिटा दें, ला 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 ओके। देखो अब, देखो मेरे प्यारे बच्चों,
मैं लेता हूं सेकंड रिलेशन से, कौन सा सेकंड रिलेशन, किस किसके बिटवीन ले रहा हूं इस बार में, इस बार ले रहा हूं मैं एराइल अमाइंस, एराइल अमाइंस एंड अमोनिया, एंड अमोनिया। पता करें कौन सा ज्यादा बेसिक कौन सा कम बेसिक, स्टार्टिंग बताया था, देख लेना रिपीट करके। स्टेटमेंट ये आ रहा है, स्टेटमेंट आपको ऑलरेडी पता ही है, एराइल अमाइंस जो होते हैं क्या होते हैं, एराइल अमाइंस जो होते हैं आर लेस बेसिक, लेस बेसिक देन अमोनिया। क्यों जी ऐसा हुआ, एराइल अमाइंस अमोनिया से कम बेसिक, ऐसे क्यों होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, इसमें तीसरा फैक्टर काम करेगा, कौन सा तीसरा फैक्टर, वो तीसरा फैक्टर होगा रिजोनेंस इफेक्ट। क्या होगा, रिजोनेंस इफेक्ट। अब ध्यान से देखो, ये क्या हमारा एरोमेटिक अमाइन एराइल अमाइन एनिलीन है, इसका रिजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ले, आपको आता होगा करना, ध्यान से देख लें इसको ऐसे कर रहे हैं। NH2 ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, डोनेट करेगा ही रिंग को इलेक्ट्रॉन, जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा रिंग को, तीनों पाई बॉन्ड पेयर डिलोकलाइज होने लगते हैं और आपकी रिंग क्या होने लगती है, एक्टिवेट, क्या होने लगती है, एक्टिवेट। ध्यान से देख लें इसको, देखो यहां से गया, जल्दी जल्दी मैं बना देता हूं उनको, ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर है एनिलीन के। और देखो यहां से इधर को मूव करा लो, इधर को मूव करा लो, कराते रहो मूव और लेते रहो रेजोनेंस स्ट्रक्चर, राइट। देखो डीलोकलाइजेशन, क्या बोलते हैं इसको, डीलोकलाइजेशन, पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट थ्रू द रिंग, उसको बोलते हैं हम डीलोकलाइजेशन। बहुत बढ़िया, देखो ध्यान से, सारे स्ट्रक्चर बना ली हमने एनिलीन्स की, एरोमेटिक अमाइन एराइल अमाइंस। आप क्या देख रहे हो इसमें, जो लोन पेयर डोनेट करने वाले थे H प्लस आयन को, समझ में आया क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, जो लोन पेयर डोनेट करने वाले थे H प्लस आयन को, जहां से इसकी बेसिटी निकल कर आती, वो लोन पेयर तो नालायक इसके अंदर ट्रांसफर हो गया। ध्यान से देखो, जो लोन पेयर डोनेट करने वाले थे H प्लस आयन को, अरे ये रिएक्शन चलाते ना, बेसिटी से यहीं से आ रही है ना इंडिकेट होकर, ये H प्लस आयन आ गया ऐसे कॉन्टेक्ट में एसिड का, तो ये H प्लस आयन को ये डोनेट होना चाहिए इलेक्ट्रॉन पेयर, तभी तो इसकी बेसिटी कंपेयर होगी, होगी शो होगी, तो यहां पर ये सॉल्ट बनना चाहिए तेजी से, राइट, तभी तो कहेंगे बेसिक ज्यादा है। तो लोन पेयर किसको डोनेट होना चाहिए, H प्लस आयन को, लेकिन लोन पेयर डोनेट कहां हो गया, रिंग में चला गया, किसमें चला गया, रिंग में चला गया। क्यों चला गया, मजबूरी थी इसके रिंग में जाना, क्योंकि रिजोनेंस फैक्ट लग रहा है, क्या लग रहा है, रिजोनेंस फैक्ट, रिजोनेंस फैक्ट जो हमने ड्रॉ किया, रिजोनेंस ड्रॉ किया, हमने देखा कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का बजाय H प्लस आयन को जाने के ये रिंग में डिलोकलाइज होने लगा, और कई स्ट्रक्चरों में जाकर ये डिलोकलाइज हुआ, इस वाली स्ट्रक्चर में डिलोकलाइज हो रहा है, इसमें स्ट्रक्चर में डिलोकलाइज हो रहा है, इसमें स्ट्रक्चर में डिलोकलाइज हो रहा है। जितने ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी उतना ज्यादा लोन पेयर डिलोकलाइज रहेगा रिंग के अंदर, और भैया जब ये लोन पेयर डिलोकलाइज हो गया रिंग के अंदर, तो लोन पेयर गायब हो गया नाइट्रोजन से, पॉजिटिव चार्ज देख पा रहे हो, लोन पेयर है नहीं, यहां रिंग में चला गया, वो यहां पर आ गया, देखो यहां आ गया, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया, फिर कहीं थोड़ी देर बाद जा रहा, तो इस स्ट्रक्चर में डिलोकलाइज हो रहा, इसमें हो रहा, इसमें हो रहा, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो रही है नाइट्रोजन पर, लोन पेयर गायब वहां से नाइट्रोजन से, रिंग में चला गया वो, तो क्या इतनी तेजी से लोन पेयर को डोनेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्यों, लोन पेयर डोनेट हो गया, रिंग में चला गया, डिलोकलाइज, तो रेजोनेंस फैक्ट की वजह से लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन हुआ और लोन पेयर की अवेलेबिलिटी नाइट्रोजन पर रिड्यूस हो गई, कम हो गई,
जब लॉन पेयर की अवेलेबिलिटी कम होगी नाइट्रोजन पर तो इसका बीसी कैरेक्टर कम हो गया। अभी लॉन पेयर कैसे डोनेट करेगा, आसानी से नहीं कर पाएगा ना, कर तो देगा लेकिन आसानी से नहीं कर पाएगा, पहले घूम घाम के रिंगों के अंदर वापिस लौटेगा, कहीं जाकर वो आगे लॉन पेयर डोनेट करेगा। कुछ बात समझ में आ रही है, इसलिए इसका बेसिक करेक्टर सबसे कम है, अमोनिया से भी कम, एल्काइल अमाइन से सबसे कम बेसिक करेक्टर, क्योंकि ना तो अमोनिया में डीलोकलाइज हो रहा था लॉन पेयर, ना ही अमाइन में डीलोकलाइज हो रहा था, इनमें तो बजाय डीलोकलाइज के लोकलाइज हो रहा था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही थी नाइट्रोजन की तरफ, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है जी, नाइट्रोजन पर लॉन पेयर फरार है, फरार है, गायब है, तो भैया ये तो सबसे कम बेसिक होगा, समझ में आया? ठीक है, लिख ले इसके बारे में थोड़ा सा नोट कर ले। इट इज क्लियर्ड फ्रॉम रिजोनेंस स्ट्रक्चर, क्लियर्ड फ्रॉम रिजोनेंस स्ट्रक्चर, रिजोनेंस स्ट्रक्चर से क्लियर है, क्या क्लियर है देख लें, दिख रहा है सबको क्या क्लियर है, क्लियर है कि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो गया, क्या हो गया, डीलोकलाइज्ड हो गया इन द बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, रिंग में डीलोकलाइज हो गया, किसकी वजह से डीलोकलाइज हुआ, ड्यू टू रिजोनेंस फैक्ट, रिजोनेंस फैक्ट की वजह से, रिजोनेंस फैक्ट की वजह से डीलोकलाइज हो गया, ठीक है। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या लॉन पेयर रिड्यूस्ड हो जाती है, हो जाती है रिड्यूस्ड हो जाती है, लेस हो जाती है, एंड बेसिसिटी घट जाती है, क्या हो जाती है, बेसिसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज्ड, नोट कर ले। रिजोनेंस स्ट्रक्चर से क्लियर है कि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजोनेंस फैक्ट की वजह से बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज हो जाता है, जिसकी वजह से लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है और बेसिसिटी घट जाती है, नोट कर ले, छाप ले, छाप ले। छाप लिया, मिटा दें, चले। मेरे प्यारे बच्चों देखो, एक और देखो, इफेक्ट ऑफ सब्सिट्वेंट्स ऑन बेसिसिटी पर सब्सिट्वेंट्स का इफेक्ट, सब्सिट्वेंट में ब्रांच वगैरह लगा देंगे हम बेंजीरिंग पर, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा बेसिसिटी पर, कुछ पड़ेगा, ध्यान से देखो, पॉइंट लिख रहे हैं दो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लगा है बेंजीरिंग पर, ध्यान से समझना इसको, इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन में भी आ सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे कि एल्काइल कनेक्ट है या फिर एल्कोक्सी मिथॉक्सी इथॉक्सी वगैरह, यहाँ पर आर लगाते हैं ना, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, तो मिथॉक्सी इथॉक्सी प्रोपॉक्सी से बन जाता है एल्काइल मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं तो क्या करते हैं बताओ, जल्दी बताओ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा नाइट्रोजन पर, जिससे बेसिसिटी बढ़ जाएगी, तो क्या करेगा ये, इंक्रीज करेगा बेसिसिटी, क्या करेगा, बेसिसिटी इंक्रीज करेगा। कुछ बात समझ में आ रही है, देखो जरा ध्यान से इफेक्ट देख ले, मेरे पास में एनिलीन है, एक मेरे पास है फोर मिथाइल एनिलीन, क्या है, फोर मिथाइल एनिलीन है, आर लगा दें कुछ भी एनिलीन में,
आर लगा दो कुछ भी, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल कुछ भी, ये कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रोनेटिव, इलेक्ट्रोन डोनेट करेगा नाइट्रोजन की तरफ, इलेक्ट्रोनेटिविटी बढ़ाएगा तो बेसिक ग्रुप ज्यादा होगा, मोर बेसिक है। कैसा है? मोर बेसिक है। कुछ बात समझ में आ रही है? मोर बेसिक है, ठीक है। मिथाइल इथाइल लगा ले यहां पर, आर बराबर क्या है? मिथाइल इथाइल इस तरह से, प्रोपाइल C3H7, ब्यूटाइल C4H9, ठीक है। मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कुछ भी लगा दे, बेसिटी हमेशा ज्यादा होगी। समझ में आ गया? और देखें, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं यदि हम, तो क्या होता है? जैसे नाइट्रो लगा दो, साइनाइट लगा दो, CN VTC, तो क्या करते हैं ये? डिक्रीज करेंगे बेसिटी को। क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे बेसिटी को, बेसिटी को घटाएंगे, क्योंकि भैया यहां पर रिंग पर कोई विड्रॉइंग ग्रुप लग गया तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा नीचे, कुछ खींचेगा, जिससे कि नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम हो जाएगी। एक तो बेंजीन कम कर रही है, ऊपर से विड्रॉइंग ग्रुप लग गया तो भैया ये तो गया काम से, लोन पेयर बहुत देर बाद लौट लौट के आएगा, इतने तो चुड़िया चुग जाएगी खेत। देखे जरा इसका इफेक्ट, देखो यहां से देखें, एक ले लिया मैं एनिलीन, एक ले लिया 4-नाइट्रोएनिलीन, बताओ जल्दी से सोच के कौन सा ज्यादा बेसिक है, जल्दी बोलो कौन सा ज्यादा बेसिक है। सॉरी, यस, ये वाला मोर बेसिक, क्यों? क्योंकि नाइट्रो कैसा ग्रुप है? विड्रॉइंग। छाप लो, छाप लिया। देख लें इसको, छाप लिया। अब मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूं, ठीक है। और मैं अब नेक्स्ट वीडियो में, एक रिएक्शन बची हमारे पास, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नेक्स्ट वीडियो में उसे खत्म कर दूंगा मैं और हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अगर नीड पड़ी तो डायजिनिक सॉल्ट जो थोड़ा सा बचा हुआ है, 30% रिड्यूस्ड है, लेकिन मैं उसको पढ़ा सकता हूँ, एक वीडियो शूट कर लूंगा उसको बनाने की, राइट। उसका कुछ एप्लीकेशन हो सकता है तो उसको भी देख लें आप थोड़ा सा, ठीक है ना, काम की चीज है वो डायजिनिक सॉल्ट, राइट। फिर उसके बाद में आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन, इन टेस्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन, कुछ कन्वर्जन, केमिकल टेस्ट, कंप्लीट द रिएक्शन, रीजनिंग, सारी चीज कराऊंगा, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड्स के क्वेश्चन। फिर मैं कुछ एडिशनल क्वेश्चन IIT JEE मेंस एडवांस या नीट के क्वेश्चंस लूंगा इस चैप्टर से, राइट। फिर मैं इसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड पे धीरे 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 हम आगे की तरफ चलेंगे। फिर हम फर्स्ट टर्म पर आएंगे, उस पर फर्स्ट वॉल्यूम पर आएंगे, वहां से स्टार्ट करेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर उसके बाद सॉल्यूशन, वो सॉरी केमिकल काइनेटिक्स, फिर हम इसको आगे सेकंड टर्म को आगे बढ़ाएंगे। तब तक हमारे साथ में बने रहिए, वीडियो के साथ में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।